नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपको। ये सेपको क्या है दोस्तों? कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, तो ये कंपनी का हम पहले टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट में, वीकली चार्ट में ये एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों, एक अच्छा स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। आपको मैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट सभी में दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में भी बहुत अंडर परफॉर्म करके एक रेंज में घूम रहा था वो, और उसके बाद ये रेंज के ऊपर 32 रुपीज़ के ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हो गया है, और स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। इसका हम वीकली चार्ट अभी आपको दिखा रहे थे, और वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कितना स्ट्रांग मोमेंट है और यहाँ पे कितना वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक में मोमेंट आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कॉरपोरेट डेवलपमेंट भी है कुछ, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपके सामने मंथली चार्ट लगाया है, और मंथली चार्ट में ये रेजिस्टेंस जोन था, और ये 31-32 का लेवल्स को पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे जो पहले गिरावट आई थी 2013 के बाद, स्टॉक ने अभी पहली बार ये लेवल को पार किया है, और ये लेवल है 31 रुपीज़ का। 31 रुपीज़ लेवल पार करके सेकंड मंथ में, वो उसके फर्स्ट मंथ में पार कर लिया है। अभी ये सेकंड मंथ रनिंग में है, और उसके वो 31 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे ये काफ़ी लंबे समय से एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा था, और लो इसने जो बनाया था 7 रुपये के आसपास का लो बनाया था। दोस्तों, तो ये पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर की, कमर्शियल व्हीकल का बॉडी बनाने का काम ये कंपनी करती है। दोस्तों, तो इस स्टॉक का थोड़ा फंडामेंटल पैरामीटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 320 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और जो 52 वीक हाई है वो 35.8 रुपीज़ का है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 52 वीक हाई पे है, 35.8 पे। दोस्तों, स्टॉक का पी 26 का है, बुक वैल्यू 12 रुपीज़ की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 12.5 रुपीज़ की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, लास्ट क्वार्टर का EPS जो है 1.25 का है, डेप टू इक्विटी कंपनी का 0.52 का है, वेल है, वेल विद इन कंट्रोल है, पेग रेशियो 1.49 का है, और प्राइस टू अर्निंग हमने बात किया। यहाँ पे एक रेड फ्लैग आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो है प्लेज है 84.1% का, वो थोड़ा क्वेश्चंस आपको जनरेट करता है। इंडस्ट्री की पी है 25.2 की, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 है, प्रमोटर होल्डिंग 60.6% है, उसमें से 84% प्लेज है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8.95 करोड़ है। दोस्तों, तो कंपनी का परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक ठाक है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी आप देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। दिसंबर क्वार्टर में 114 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 150 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिटेबल है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है दोस्तों, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में 114 करोड़ का रेवेन्यू था, जो मार्च क्वार्टर में 150 करोड़ का, और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स में भी कंपनी के दिख रहा है, और प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो लास्ट टू क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है। एनुअल सेल्स देखेंगे तो 126 करोड़ प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 363 करोड़, यानी काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे है। ये कंपनी ने पहले भी इस टाइप का बिजनेस कर चुकी है, तो यहाँ पे इस कंपनी के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे कंपनी के, इंटरेस्ट भी थोड़ा इंटरेस्ट बर्डन भी था, तो वो सब फैक्टर्स है। तो अभी भी ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रॉफिट है 27 करोड़ का, और प्रॉफिट मार्जिन है 7% के आसपास की, और यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी का है 7 करोड़ का एनुअली देखेंगे तो ठीक ठाक है। शेयर कैपिटल अभी 89 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास 18 करोड़ के आसपास है, बोरिंग दिख रहा है 56 करोड़ का,
और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा बोले हमने, प्रमोटर के शेयर होल्डिंग अभी 60.65% है, DIIs की होल्डिंग कांस्टेंट यहाँ पे 9.33% पे है और पब्लिक शेयर होल्डिंग 30.02% की। तो ये है सेपको दोस्तों, ये यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे ये स्टॉक डबल भी हो सकता है दोस्तों। पेनी स्टॉक है, थोड़ा केयरफुली लिमिटेड क्वांटिटी लेके ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका सब पोजीशन लेने के पहले याद रखिए, हम सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं, हमारा जो भी वीडियो रहता है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहता है। तो आप अपना ओन स्टडी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।